तो भाई कल पापा का बर्थडे और मैं सोच रहा हूँ कि उनको एक बढ़िया सा स्केच बना कर दूँ, क्योंकि भाई पिछले बार जो मैंने स्केच बनाया था ना, ये वाला, वो ना पापा के जैसा दिख रहा है ना मम्मी के जैसे दिख रहा है, थोड़ा अजीब सा ही दिख रहा था। और ये मैंने मम्मी को गिफ्ट करा था अब जनवरी में, मतलब 10 महीने पहले, और 10 महीनों में मेरी स्केच बहुत ही अच्छी हो चुकी है, क्योंकि भाई उसके बाद तो मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी स्केचेस बना के डिलीवर भी कर दी है और ऐसे कुछ घर पे भी रख के रखी है, जिनमें से ये वाली और वो गणेश जी वाली मेरी फेवरेट है। बट यार प्रॉब्लम ये है कि मेरा स्टैंड टूट चुका है, जिसमें मैं फोन अटका के वीडियो रिकॉर्ड करता था, और इसीलिए अभी मैंने फोन को 2 डब्बों के ऊपर एक पेपर की मदद से अटका के रखा हुआ है। मतलब यार बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है स्केच बनाने में। कुछ ऐसे मैंने इस पे फोन को अटका के रखा था, बट यार जब मैं टाइम लैप्स बनाऊंगा तब क्या होगा? मतलब भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं टाइम लैप्स वीडियो कैसे रिकॉर्ड करूंगा, कब तक कैसे हाथ से बनाते रहूंगा, मैं जाके ला सकता हूँ, बट यार टाइम बहुत ही ज्यादा कम है। और उससे भी बड़ी एक और प्रॉब्लम है, इसलिए भाई मेरे को ये माइक लगाकर आवाज रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। और इसमें भी एक दिक्कत है कि भाई जब तक मैं ये वायर नहीं लगाऊंगा ना, तब तक ये वॉइस रिकॉर्ड नहीं होगा, तो ये वायर मेरे को लगा के रखना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि भाई प्रॉब्लम्स बहुत सारी है और सॉल्यूशन एक भी नहीं है। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, मेरे पास सिर्फ 12 घंटे। भाई बहुत सारी फोटोज देखने के बाद मैंने ये वाली फोटो चूज करी है। मैं पापा की ये वाली फोटो बनाने वाला हूँ, वो भी A3 साइज की शीट पर। अब तुमको तो बताइए कि भाई मेरे को A3 साइज की शीट पर बनाने में कम से कम 1 या 2 दिन तो लग ही जाते हैं, जल्दी जल्दी बनाऊँ तो 1 दिन तो लग ही जाता है। बट भाई अगर मैं अकेले पापा की बनाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, क्योंकि मम्मी के बर्थडे पे मैंने पापा को भी साथ में बनाया था, तो पापा के बर्थडे पे मम्मी को भी साथ में बनाना पड़ेगा, तभी स्केच थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा। मैंने कम से कम 1.5 घंटे सिर्फ फोटो ढूंढने में ही वेस्ट कर दिए, और मेरे पास आज रात को सोने से पहले तक का ही टाइम है। हाँ मैंने बहुत सारी पुरानी फोटोज देखी, पर ऐसी कोई फोटो मिली नहीं रही थी जो इस शीट पे बनाने के बाद बहुत अच्छी लगे। इसके पीछे का रीजन मेरा पुराना वाला फोन भी है, जो कि भाई मैं गलती से घूम गया था। वो वाले फोन में बहुत सारी अच्छी अच्छी फोटोज थी। तो भाई ये वाली फोटो मैंने फाइनल की है, पर यार इसमें 2 लोग और हैं, और साथ में एक प्ले बटन भी है, जो कि भाई बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये तब का फोटो है जब हमने ना प्ले बटन को अनबॉक्स किया था। अभी मेरे पास वैसे तो कम टाइम है, पर यार अगर मैं जल्दी जल्दी काम चालू करके बना दूं ना आज की आज, तो भाई बहुत ही मजा ही आ जाएगा ये वाली फोटो बनाने के बाद। 2 बज चुके हैं। स्केच की आउटलाइन बनाने के लिए मैंने सबसे पहले शीट के बीच में मार्क करके जो भी फोटो के सेंटर में चीज थी ना, वो ड्रॉ कर ली। एक बार फोटो अपनी पोजीशन पे सेट हो जाए तो बाकी आउटलाइन बनाना इजी हो जाता है। यार जल्दी जल्दी में मैंने अपने ही चेहरे की ऐसी तैसी कर दी। भाई मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा कि ये मैं हूँ या कोई और है। मतलब यार इतना अजीब सा तो नहीं दिख रहा था मैं। हाँ ये बात है कि बाल थोड़े बड़े थे तब, पर यार फिर भी। उसके बाद तो भाई मैंने खूब कोशिश की कि मेरा फेस मेरे जैसा दिख जाए, बस उतने में ही 5 बज गए। यार अभी तो मैं अपने फेस को इतना ही रहने देता हूँ, अगर मैं इस पे ज्यादा काम करूंगा ना तो भाई टाइम हो जाएगा, और इतना टाइम मेरे पास है नहीं, क्योंकि भाई मैं बैकग्राउंड भी बना रहा हूँ, और बैकग्राउंड में देखो 1, 2, 3 फोटो और हैं। एक एमवीए की है, एक यूके राइडर की है, और तीसरी सिद्धू मूसेवाले की है। हाँ मैं उनको इतना क्लियर नहीं बनाने वाला, थोड़ा सा ब्लर सा फेस रहेगा, पर यार उसमें भी तो टाइम लगेगा। मैंने अपनी पूरी अंतरात्मा की ताकत लगाकर फुल पावर के साथ काम करना चालू तो कर दिया, पर यार बीतता समय मेरे को लगातार मेरी मंजिल तक पहुंचने से रोक रहा था, क्योंकि यार धीरे धीरे मेरे को लगने लगा कि भाई आज तो पॉसिबल नहीं है इतने बड़े स्केच को कंप्लीट कर पाना। भाई मैंने पीछे सिद्धू मूसेवाले की स्केच बना तो दी थी, पर यार मैं सोच रहा था कि यार थोड़ा बहुत तो ऐसा लगेगा कि भाई ये वही इंसान है, पर यार ये तो थोड़े भी नहीं लग रहे, बहुत ही अजीब से लग रहे हैं। खैर चलो कोई बात नहीं, मैं इनको थोड़ा सा ब्लर कर दूंगा ताकि ऐसा लगे कि ये बैकग्राउंड में है, मतलब बैकग्राउंड में ही है, पर मैं तो थक गया भाई एक ही जगह पर बैठे बैठे। भाई मेरे को अभी अभी पता चला है कि हमारे इधर भंडारा है, पीछे साइड एकदम घर के पीछे ही। अगर मैं घर पे खाना खाऊंगा तो भी टाइम लगेगा ही, और वहाँ जाके खाऊंगा तो भी टाइम लगेगा ही। तो चलो फिर चलते हैं भाई। आओ चलो फिर चलते हैं। बोल के तो ऐसा किया कि भाई जैसे कि मेरे बुआ की बेटी की शादी में जा रहा हूँ, पर मैंने भाई खाना खाने में बस 10-15 मिनट लगाए, और बाकी टाइम तो भाई टाइम पास ही किया। भाई 10:30 बज गए यार, पता ही नहीं चला कि भाई टाइम कब निकल गया। थोड़ी बहुत हमने बातचीत करी और उतने में ही भाई पता नहीं चला कि 1 घंटा निकल गया। मैं 12 बजे सो जाता हूँ, मतलब अभी मेरे पास 1.5 घंटा है थोड़ा बहुत स्केच बनाने के लिए, तो फटाफट से काम चालू कर देता हूँ।
अभी भाई नया तरीका मिल गया, थोड़ा सा मैं इसको माइक को ऊपर करूंगा और ये देखो यहाँ पे ये लगा हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा सा और ऐसा ऊपर ले जाके ये केबल वगैरह को हटाना पड़ेगा, ये स्टैंड को इतना ऊपर ले जाके यहाँ पे फोन अटका के बना सकता हूँ टाइम लैप्स वीडियो। अभी तो ऐसे ही जुगाड़ करना पड़ेगा भाई, कल कुछ देखूंगा स्टैंड वगैरह का। भाई सिर्फ 11 बज रहे हैं और यार इतनी नींद आ रही है कि भाई क्या बताऊं, अभी से नींद आने लगी पता नहीं कैसे। वैसे तो रोज 12 बजे के बाद सोता हूं, पता नहीं आज क्या हो रहा है। भाई बहुत लपक के नींद आ रही है, 2 मिनट और बैठाना तो भाई यहीं पे नींद तो नहीं आएगी पर आंखें बंद हो जाएगी नीचे आके मेरे को सोना ही पड़ेगा। पर यार अभी सिर्फ 11:30 ही बजे भाई, क्या किया जाए यार समझ नहीं आ रहा, क्योंकि भाई एक दिन में सिर्फ एक फेस बना है, मतलब इतना सा स्केच बना है सिर्फ एक बार, तो मैंने पूरा बना दिया था। वैसे अभी थोड़ा थोड़ा लुक आना चालू हुआ है स्केच में, बनने के बाद तो भाई बहुत ही बढ़िया दिखने वाला है ऐसा लग रहा है अभी से। मैंने भाई आज है ना गेमिंग वीडियो बनाने का सोचा था, क्योंकि अभी जो लास्ट वाला वीडियो डाला ना गेमिंग चैनल पे वो सिर्फ 20 मिनट का है, वहाँ पे भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई सिर्फ 20 मिनट का वीडियो क्यों, मतलब मैं 40-40 मिनट के डालता हूँ, 30 मिनट 40 मिनट, और वहाँ पे सबको लॉन्ग वीडियो चाहिए रहते हैं। मैं सोच रहा था कि भाई आज भी गेमिंग वीडियो 40 मिनट का बना देता हूँ और एक एक दिन छोड़ के 40 या फिर 20 मिनट के डालते ही रहता हूँ कंटिन्यूसली, तो वहाँ पे भी क्या थोड़ा सा बना रहेगा। पर यार आज का टाइम तो इतना सा स्केच बनाने में ही निकल गया। ये देखो भाई मैंने स्केच के अंदर स्केच जो बनी हुई ना उस पे भी अपना सिग्नेचर किया है, ये रहा छोटा सा, यहाँ पे भी है और ये वाले स्केच पे भी है, इतने इतने से किए हुए हैं। बस भाई अपना हो गया, अब अपन इससे ज्यादा नहीं बना सकते, 12 बजने ही वाले हैं 5 मिनट में और आज का कुछ इतना स्केच बना है। अगर भाई कल स्केच कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि एक दिन में एक फेस बना है 3 फेस और बचे हुए हैं, तो भाई बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अभी बना लूं क्या, छोड़ो यार कल करेंगे। पापा को गुलाब जामुन है कि मिठाई भाई आपको इन दोनों फोटो का रेफरेंस फोटो चाहिए था ना, तो ये है फोटो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हो। और मेरे को इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं करा तो जल्दी से आके फॉलो कर लेना, वहाँ पे टैग वैग कर देना अगर आपको स्केच बनाओगे तो। भाई देखने में मजा आता है ना कि भाई तुम लोग कैसे स्केच बना रहे हो, और कमेंट करके बताना कि अगला स्केच किसका बनाया जाए, वैसे ये वाला कंप्लीट होने के बाद ही बनाऊंगा, पर कमेंट करके बता देना। बाय।